नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। मधुबनी में रिश्तेदारी में श्राद्ध कर्म में भाग लेने आए 3 बच्चों की कोशी नदी में डूबने से हुई मौत, परिजनों में कोहराम। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। मधुबनी मंगलवार को कोसी नदी में 3 बच्चे डूब गए। घटना दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की है। देर शाम तक बच्चे का शव बरामद नहीं किया जा सका था। स्थानीय लोगों और गोताखोर बच्चे की तलाश में जुटे थे। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ गांव में 4 बच्चे कोसी की शाखा नदी में नहाने गए थे। 4 बच्चे में 3 बच्चे डूब गए जबकि 1 बच्चे बच गया। सभी बच्चे श्राद्ध कर्म आ गए थे। तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। स्थानीय लोगों जब इस बात की जानकारी हुई तो ये बच्चों को तलाश में जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद के लिए गोताखोर भी बच्चे की तलाश में जुट गए। डूबे तीनों बच्चों में बकुआ गांव निवासी राजकुमार यादव का 10 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार, मधेपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी राम दुगार यादव का 10 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार और मधेपुरा जिले के मुरली गंज थाना क्षेत्र के खारी परमानंदपुर गांव निवासी अखिलेश यादव का 15 वर्ष पुत्र निकेश कुमार शामिल है। सुमित कुमार को बचा लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राम दुगार यादव के पिता का निधन हो गया था, जिसको लेकर आज घर पर श्राद्ध कर्म था। इसमें सभी बच्चे आए हुए थे। इसी दौरान यह घटना घटी है। बच्चे के डूबने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही गांव में भी मातम छाया। मौके पर सीओ पंकज कुमार सिंह, भेजा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। डूबे हुए बच्चे की तलाश में जुट गए। इत्यादि दिलीप यादव की रिपोर्ट। से हुआ भैया यहाँ? सर, हम लोग यहाँ से घाट पर से गए हैं, तभी उस समय कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद घर पर गए, 10 मिनट हुआ है। उसके बाद हमारा जो ठाकुर है वो बोला कि से धार में जो है से कोई बात हो गया था। हम लोग पूजा करने भी छोड़ दिया आए नदी में, तो हमारा 5 बच्चा डूबने वाला था। उसमें बोला हम 2 बच्चा खींच लिया, 3 बच्चा को पता नहीं चला। बच्चा क्या करने के लिए आया था? अब हम लोग तो घर पर थे सर, यहाँ से पूजा पाठ करने के लिए गए थे। बच्चा लोग था उसमें, अब नहाने के लिए आया। साला कैसे आ गया? आपके घर में कोई कार्यक्रम था क्या? जी, हमारा पिताजी गुजर गया था सर। आज संपिंड श्राद्ध है सर। अच्छा, उसी श्राद्ध में लगे। बच्चा का क्या नाम था? मेरा बच्चा भाई का बच्चा था। क्या नाम है उसका? उसका नाम था सर सुमन कुमार। कितने साल का होगा वो? लगभग सर 8-9 साल का है। और किसका बच्चा डूबा? और एक मेरा बहन का लड़का था। क्या नाम है उसका? उसका नाम था सर सोनू कुमार। कितने साल का होगा वो? लगभग सर 11 साल का होगा। वो आपके रिश्तेदारी में आया था? मेरा बहन था सर, तो रिश्तेदारी में आया होगा ना। कहाँ का था वो बच्चा? वीरपुर गाँव का है सर। वीरपुर गाँव का। और तीसरा? और एक मेरा भाई का साला था, वो अपना ये खारी परमानपुर का है सर। वो भी डूब गया? वो भी डूबा। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का सर। कितने देर पहले ये घटना हुआ? ये सर 2:30 बजे के आसपास है। 2:30 बजे जी। तो इस चीज की सूचना प्रशासन को दी आप लोग? सर, हम लोग तो इस तरह लग गए। हमारा जो आदमी साहब सबको बोले सर, कम से कम अपना थाना खबर कर दिया, अपना प्रशासन से बोल दीजिए, तो बोला हाँ करेंगे। हम लोग तो इसी में लपट गए सर, तो हम लोग क्या करेंगे सर। 1.5 घंटा हो गया अभी तक SDRF की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। जी, हम लोग तो बोले सर, हम लोग तो इधर फंसे थे, तो हम लोग क्या बोले? CO साहब को जानकारी दिए इस चीज का? मुखिया को बोले हैं सर, आप मुखिया साहब जहाँ जहाँ किया होंगे सर। 1 घंटा से किया गया है उधर, अभी तक तो आया नहीं कोई। बच्चा का हम लोग बहुत दूर तक खोज बोज किए, नहीं मिला। 9 लीटर के भी गए थे। आपका क्या नाम है? हंस कुमार यादव सर। कहाँ घर है आपका? बकुआ घर सर।